अभी जो जन्म हुआ है जीव का हुआ है, और उसके बाद जो जन्म होगा वो शिव का, शिव का नहीं जैसे मैंने परम का, ऐसा सारा थॉट बोले। तो जन्म के साथ में ये जन्म जुड़ा है, क्योंकि जन्म तो हो गया है, जो लोग आए हैं उनका तो जन्म हो गया है, फिर उस सब क्यों मना रहे हैं लोग जन्म उत्सव? फिर गुरु का जन्म उत्सव, क्योंकि जो गुण में भी है और गुणातीत भी है, और रूप में भी और रूपातीत में है, गुण में रहते गुणातीत है, रूप में रहते रूपातीत है, वही गुरु है। क्या है? सभी गुणों में बढ़ता हुआ गुणातीत है वो, सभी गुणों में बढ़ता हुआ, सभी गुण में सब कुछ चल रहा है, कीड़ा मकोड़ा सब चल रहा है, सभी गुणों में बढ़ता हुआ गुणातीत है वो, और सभी रूपों में बढ़ता हुआ रूपातीत है। सब वाला बात आ रहा, सब माने, सब माने टोटल, टोटलिटी, ऐसे का बर्थ होना है, उसको बर्थडे बोला जाता है, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी मतलब हैप्पी को आनंद, हम लोग की भाषा में आनंद ले लो, इंग्लिश में हैप्पी है तो आनंद, आनंद का बर्थ होना है, आनंद का बर्थ समझ, मैंने आनंद नहीं व्यक्ति नहीं है, वो जो सच्चिदानंद का वो बर्थ होना है, सत स्थित हो जाए, चित प्रकाशित हो जाए और आनंद में मगन हो जाए, सत में स्थित हो जाए, चित में प्रकाशित हो जाए और आनंद में मगन हो जाए, बर्थडे हो गया। सभी गुणों में बढ़ता हुआ गुणातीत हो, सभी रूप, सभी गुणों में बढ़ता हुआ, अधम से अधम गुण में भी वो बढ़ रहा है, मध्यम में भी, उत्तम में भी बढ़ रहा है, सभी गुणों में बढ़ता हुआ, और सभी गुणों में बढ़ता हुआ यानी एनी ऑफ कैरेक्टर नेचर के साथ मिलता हुआ बरत रहा है, बरत माने रम रहा है, बरत रहा है यानी समा रहा है, सभी गुणों में बढ़ता हुआ, सभी गुणों में बढ़ता हुआ गुणातीत है वो, सभी गुणों में बढ़ता हुआ गुणातीत है, सभी गुणों में, बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं ना कि इसको जब सुनेंगे तो उनको एक बार में नहीं समझ आएगा, या एक बार में वो डाइजेस्ट नहीं होगा, ये लॉजेंस जैसा है, और इतना बड़ा लॉजेंस है कि वो गलत से भी निगला नहीं जा सकता, चूस चूस के खाना होगा, यानी धीरे धीरे लेना, सभी गुणों में बढ़ता हुआ गुणातीत है वो, और सभी रूपों में बढ़ता हुआ रूपातीत है, मैंने समझे टोटलिटी, सभी गुणों में बढ़ता हुआ गुणातीत है, सभी रूपों में बढ़ता हुआ रूपातीत, ऐसा का ऐसा, ऐसा गुण में रहते गुणातीत है, रूप में रहते रूपातीत है, ऐसा जो, और वही सत है, और सत गुरु हो गया, और ऐसे सतगुरु का जन्म होना, उनका जन्म अगर हम उत्सव मना रहे हैं तो उत्सव को मनाया जाता है, तो उनमें जन्मा वो हमारे जैसे कवि थे और अब वो ऐसे हो गए हैं, तो हमें अगर वो जन्म होगा तो वो जो उत्सव अहनी उनके अंदर चल रहा है उत्सव हमें भी चलेगा, उसी उत्सव का नाम जन्म उत्सव। अब अजीब बात, बात समझ आ रहा है, मतलब उसका नाम जन्म उत्सव, बहुत बड़ी 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 ऊंची बात, नॉनसेंस वाला जन्म उत्सव नहीं, ये जो पैदा हो गया तो बच्चा को गोदी में खिलाया कि ये डेट में पैदा हुआ है, नॉनसेंस, जन्म बहुत दुर्लभ चीज है, क्या जन्म, कभी कभी जन्म उत्सव होता है, सभी गुणों में बढ़ता हुआ, सभी गुणों में बढ़ता, सभी गुण में, सभी गुण मतलब समझे जिसका जो भी कैरेक्टर नेचर है सबके साथ माने लागू है, यानी सबको संभावना है, अरे संभावना है बोल के ना सब जाएंगे उत्सव मनाने, और सबके अंदर उत्सव होना है, सभी गुणों में बढ़ता हुआ, सभी गुणों में बढ़ता हुआ वो गुणातीत है, कोई भी गुण उसको लिप्त नहीं करता है, सभी गुणों में बढ़ता हुआ गुणातीत है, और सभी रूपों में बढ़ता हुआ रूपातीत है, ऐसे अनुभव का जन्म होना, ऐसा अनुभव का जन्म हो करके चित आनंद में हो जाना, आनंद हो करके, और ऐसा उस उत्सव को मनाने का नाम जन्म उत्सव है, वो उत्सव है, उत्सव माने उत्सव को मतलब खाना पीना क्या, भीड़ जमाना नहीं, उत्सव है, उत्सव उत्सव वही सब हो जाना उत्सव है, वही सब हो जाना उत्सव है, वही सब हो जाने का मतलब असृष्टि है, असृष्टि है वो स्थिति है, अमाला है वही सब हो जाना वो उत्सव है, वही सब हो जाना वो माने जो स्थित हो जाना, ऐसा स्थित हो जाना जो था है और सदा रहेगा, ऐसा स्थिति अनुभूति का ज्ञान को प्राप्त करके हमारे जीव तत्व से जो परम तत्व का अनुभव होना हो जाना उसको उत्सव कहते हैं, और वो उत्सव एक नया जन्म हुआ, क्या हुआ फिर जन्म हुआ, एक तो माँ बाप के गर्भ से जन्म होता है और एक गुरु की कृपा से, पर दो बार जन्म होता है, कितना बार जन्म होता है, ये सौभाग्य दूसरे जन्म का सौभाग्य किसी को मिलता है, माँ बाप के माने माँ बाप के माध्यम से एक जन्म होता है और एक गुरु की कृपा से जन्म होता है, गुरु की कृपा से जन्म होता है वो जन्म उत्सव मनाने का है, वो उत्सव है, उस समय समझे वो उत्सव जन्म, गुरु कृपा से जो जन्म होता है, हम जीव तत्व से परम तत्व में
करके और उस सच्चिदानंद को उपभोग करते हैं, सपने मगन हो जाते हैं, चित्त में प्रकाशित होते हैं और आनंद में धन मूर्ति हो जाना। अद्वैत होता है, अद्वैत माने निर्गुण और द्वैत माने सगुण में उस सच्चिदानंद घन मूर्ति के साथ उससे मनाना और अपने शरीर में रहते हुए उस तत्व को जान करके सपने स्थित होते हुए चित्त में प्रकाशित होते और आनंद आनंद में उस उत्सव को उपभोग करने का नाम सच्चिदानंद घन जन्मोत्सव। सच्चिदानंद घन जन्मोत्सव, सच्चिदानंद घन का वो जन्मोत्सव है, क्योंकि जिनका जन्मोत्सव मना रहे उनका एक तो नाम तो होना चाहिए, तो उनका व्यक्ति नाम नहीं रहेगा, सूर्य बाबा ऐसा नाम नहीं रहेगा, ये तो बहुत आनंद है। आनंद है दोबारा जन्म होना, क्या गुरु की कृपा से एक जन्म तो माता पिता के जरिए मिला, लेकिन वो जो जन्म है बंधन वाला, और गुरु की कृपा से जो जन्म मिलता है वो मुक्त का, मुक्ति का, गुरु कृपा से जो जन्म मिलता है वो मुक्ति का, इसलिए मुक्ति का उत्सव मनाना जन्मोत्सव है, मुक्त आनंद का उत्सव मनाना जन्मोत्सव है, ये अंडरस्टैंड। और वो आनंद किससे मिला, गुरु से मिला, इसलिए सदगुरु का, सदगुरु का जो सत्य है साकार है स्वरूप में है असानिग्ध में है सत्य में है, क्या रिपीट हो गया ना, सत्य में है साकार में है सानिग्ध में है, इतना संभव है, असंभव अगर इतना संभव अगर है तो उत्सव नहीं मनाओगे तो क्या मनाओगे, अगर इसके बाद भी उत्सव नहीं मना सके तो फिर उत्सव क्या उत्सव है, सत्य है साकार है और सानिग्ध में है, क्या है सत्य है साकार है, ये नहीं कि 22 साल हो गया चले गए, जब कोई नहीं रहता तब उसका वैल्यू बढ़ जाता है, जब और जब रहता है तो कोई गांधी जैसी गाड़ी ना की उड़िया वाला कहावत है ना, खैरिए सॉरी, जब कोई चीज सुलभ हो जाता है ना तो हम लोग का मानी सबका सुलझ और सहज हो जाता है, तो और आश्चर्य को उसका स्वाभाविक सुलभ और सहज है, तो सुलभ और सहज नहीं होगा तो क्या दुर्लभ होगा, तो इसलिए सुलभ है सहज है और प्रत्यक्ष है, ऐसे साक्षात्कार का संगत करके और पुनर्जन्म का, एक तो जीव भाव से माता पिता के जरिए जन्म मिला जन्म हुआ और एक गुरु की अहित कृपा से सत्य अनुभूति हुई, चित्त में प्रकाशित हुए हम और आनंद में मगन हो गए और मनाए वही सदगुरु का जन्म उत्सव। ठीक है, जिस भी गुण में रहो उसका ओपन द डोर है, उसका दरवाजा खुला है, जो भी गुण में तुम रहो, चाहे तमोगुण में रहो या रजोगुण में रहो या सतोगुण में रहो, क्या समझे, चाहे विमुख रहो, नास्तिक तो ज्यादा याद करता है, नास्तिक तो हमेशा कोशिश में लगा रहता है कि कैसे इसके बात को काटे, वहीं पर वो फंस जाता है, वो अपना प्लग लगा देता है, जो लोग नहीं मानते ना वो लोग ज्यादा ज्यादा क्लोज में आ जाते हैं, हम नहीं मानते उनको, वो आदमी ऐसा बोल करके वो नहीं बोल करके जुड़ गया, अच्छा नहीं बोल के प्लग लगाएगा तो लाइट नहीं जलेगा, कि हाँ बोल के प्लग लगाने तो लाइट जलेगा, अगर चालू लाइन है 24 आवर्स अगर चालू लाइन है वहां पर स्विच ऑन ऑफ नहीं होता है, एक बार अगर ऑफ हो गया तो नहीं नहीं बोल करके चालू लाइन में प्लग लगाओ, लाइन चालू है अगर तो प्रूफ हो जाए, ऐसे तो लाइन पता भी लगता है चालू है कि बंद है, वो तो प्लग में लगेगा और जब यहां जलेगा, जब यहां जलेगा तब पता लगेगा कि वो है नहीं है, मैं बदल गया, बीच में फिर एक लगना एक गुजरना और एक होना, एक लगना फिर गुजरना और फिर होना, एक लगना फिर गुजरना फिर होना, इसलिए थोड़ा लग जा उससे, नहीं बोल के ही लग जा, गुजरना हो जाएगा और होना हो जाएगा, अगर है तो संभव है, पर अभी वर्तमान के स्थिति परिस्थिति अवस्था व्यवस्था क्षेत्र पात्र को देख करके जो शब्दों का तरंग निकलना चाहिए वही निकल रहा है ना, नहीं के साथ ही है लगा हुआ, वो एकदम हर मन से बुद्धि से विवेक से और हर चार जगह से नहीं है, कुछ नहीं है दुनिया में, कुछ नहीं, नहीं कुछ कुछ भी नहीं है, नहीं के साथ में फिर वो है लगा हुआ है, राष्ट्रवाद है कि नहीं है, राष्ट्रवाद है नहीं तो भी मध्य का है, वो उनको जब भी पॉइंट करके कोई नहीं भी बोला तो वो लग गया, थ्री पिन प्लग लग गया हो गया और नेगेटिव पॉजिटिव भी चला गया, थ्री पिन है देखो, फोर पिन भी नहीं, बड़ी मजे का बात, थ्री पिन है, नेगेटिव पॉजिटिव है और फिर आर्थिंग है, करंट भी नहीं मारेगा आर्थिंग, इसलिए साथ है ये क्या समझे, इत देखो उतना ही मैं, और अगर वहां लाइट है तो लाइट है ही है, वहां लगते ही लाइट होता है,
और देखो ना छोटा लाइट हो या बड़ा लाइट हो, लगाए तो लाइट होगा, घर को डार्क कर दो तो ही लाइट उसका अपना, वो अपना महिमा दिखाने लगेगा, वो भी उसका भी अपना लाइट जरा भी हो लेकिन लाइट लाइटे हैं, नहीं बोल के भी कॉन्टेक्ट होगी, नहीं बोल के लगाओगे तो ऑन प्लग ऑनलाइन में, नहीं बोल के भी प्लग लगाओगे तो लाइट जले गई। ये बात को ना हम खुद बहुत इंजॉय करते रहते हैं, नहीं नाम का चीज कुछ नहीं है। ये वाणी इससे पहले शायद कहीं भी ऑडियो में ना वीडियो में ना टीवी में ना नहीं सुनने मिला होगा, एक कोई भी सिंगार नहीं है और कोई भी क्या बोलते हैं हेवी वेट नहीं है, एकदम लाइट है। और बड़ी मजे की बात है कि नेगेटिव दिख सकता है, डिस्कस जो है इसमें सिर्फ नेगेटिव को ही टोटल में दिया है, शुरू से एंड तक नेगेटिव नहीं है। नहीं नाम का चीज शुरू होता है नहीं से, नहीं नाम का चीज कुछ नहीं है, इसीलिए नहीं का नाम नहीं है। धर्म अर्थ काम मोक्ष सब खुला, धर्म अर्थ काम मोक्ष, नहीं नाम का चीज कुछ नहीं है, नहीं नाम का चीज कुछ नहीं है, दो बार हुआ नहीं नाम, एक पहला नहीं नाम का चीज, नहीं का नाम नहीं है। उपनिषद दो बार वाणी है, नेति 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 नेति, तीन बार नेति है, तीन बार अगर नेति हो गया यानी तीन बार अंदर में हो जाना है कि हम जान के भी अभी तक नहीं जाने, हमसे बुद्धि से और अहंकार से, ऐसी मन बुद्धि अहंकार तीन बार नहीं बोल दिया।